Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. टेक्नोरोबिज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हाँ जाना पहचाना लग रहा है यार, Realme 12 Pro Plus 5G आपने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग देख ली। ये है Realme 12 Pro 5G, डिफरेंस है यहाँ पर दोनों में, जो भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब मैं ये भी लॉन्च से पहले ही बना रहा हूँ, तो अभी भी मुझे प्राइस के बारे में नहीं पता है, भले ही हम नेक्स्ट डे वीडियो डालते, बट आई डोंट नो कि प्राइस क्या थी। जो भी रहेगा डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको अपडेट कर दूंगा। बॉक्स इस तरीके का है, सेम Realme 12 Pro Plus 5G जैसा ही मिलेगा। बॉक्स में आपको फोन, एक TPU केस यहाँ पर दिया है, 67 वॉट का अडैप्टर और आपको एक टाइप सी केबल मिलता है। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो ये वही सेम Realme 12 Pro Plus 5G डिजाइन लाया है, वीगन लेदर, वही होलाइवर सेवियो वगैरह का सारा मसाला यहाँ पर लगा हुआ है। आपको इसकी थिकनेस यहाँ पर जो है वो 8.5 mm और 190 ग्राम्स का, तो ये स्लाइट लाइटर है और थोड़ा और ज़्यादा स्लिम है। IP65 आपको यहाँ पर भी मिलता है। बाकी उसी के साथ आपको नीचे की तरफ सिम ट्रे है, डुअल सिम लगा सकते हैं, माइक और टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर नीचे एक ऊपर, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, ऊपर एक और माइक है, डुअल माइक है, राइट में पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, वाइब्रेशन, हैप्टिक्स, सब कुछ आपको यहाँ पर काफी बढ़िया मिलता है। और हाँ, इसमें आपको दो कलर्स मिलते हैं, ये वाला जो है वो सबमरीन ब्लू और आपको एक बेज कलर भी मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है स्नैपड्रैगन 6 जेन 1, ये पहला फोन है जिसमें हमें ये न्यू चिपसेट देखने को मिलती है। 4 nm पर बेस्ड है, अड्रीनो 71 GPU और जो कोर से वो कॉर्टेक्स A78 मैक्स आपको 2.2 GHz पर मिलता है। और साथ ही साथ हमने एंटीटू किया तो अराउंड 6 लाख के आसपास क्वाइट डिसेंट यहाँ पर एंटीटू स्कोर थे, लेकिन थ्रॉटलिंग बहुत कमाल की थी, 92% के आसपास आया स्कोर और साथ ही साथ कुछ मैक्स 42 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ, बहुत ही अच्छा यहाँ पर कंट्रोल किया गया है। तो बहुत ही अच्छी स्नैपड्रैगन चिपसेट यहाँ पर लगाई गई, ये मैं जरूर कहूंगा। और उसी के साथ आपको LPDDR4X UFS 3.1, जी हाँ, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग एवरीथिंग बहुत स्मूथ, इसमें डायनामिक रैम एक्सपांशन वगैरह वो सब कुछ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। बाकी गेमिंग वगैरह हमने चेक किया तो HDR एक्सट्रीम पर चल रहा है, BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी भी मैक्स पर चलता है, तो आप हाई ग्राफिक्स पर सेट करके गेम्स यहाँ पर खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिपसेट बहुत अच्छी है, डिटेल में टेस्ट करेंगे हम इसको, फुल रिव्यू करेंगे ना, आपको बताएंगे कि लॉन्ग टर्म तक ये कितना टिकता है। डिस्प्ले दोस्तों आपको वही सेम डिस्प्ले मिलता है Realme 12 Pro Plus 5G वाला, 6.7 इंच की फुल HD प्लस की कर्व्ड OLED डिस्प्ले है, पंचोल भी उतना ही है, छोटा सा चेन भी बहुत कम है, 10 बिट की डिस्प्ले है आपको इसमें, DCI-P3 है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, सब कुछ सेम है। असाही की जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलता है और ये कर्व्ड डिस्प्ले, तो कोई चेंजेस यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में उन्होंने नहीं किया है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो प्रो प्लस में दिया है वो उन्होंने प्रो में भी दिया है, ओवरऑल प्रीमियम डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपका काफी सही रहेगा। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एंड्रॉइड 14 Realme UI 5 पर बेस्ड है, अच्छा है कि Realme 12 Pro Plus 5G में 14 दिया है तो इसमें भी दिया है, बट इसमें भी आपको वही 2 साल के अपडेट्स और 3 साल सिक्योरिटी पैचेस, जो हमने पहले भी बोला था कि एटलीस्ट 3 साल होना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता। बाकी वही आपको हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, सारे ब्लोटवेयर्स दिखेंगे और आप उनको निकाल सकते हैं, और वही गूगल डायलर का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस Realme UI जैसा ही, स्पेशल फंक्शंस मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स एडिट करने के लिए, लेकिन हाँ पहले से ही अगर सारे प्री इंस्टॉल ऐप्स निकाल कर दे दिया जाए, एक्सपीरियंस थोड़ा क्लीन रखे तो ज़्यादा अच्छा हो। कैमरे की बात करते हैं, यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी IMX882, हाँ सोनी का ये अलग सेंसर है, न्यू सेंसर है, OIS के साथ आता है, 4K 30fps पर मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं, स्लो मोशन भी आपको यहाँ पर मिलता है 720p 240fps, आप देख सकते हैं ओवरऑल अच्छे फोटो, मतलब अच्छे स्लो मोशन वीडियोस निकाल सकते हैं। साथ ही साथ 32 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो सेंसर दिया है, जो अक्सर हमें अगर मिड रेंज या अपर मिड रेंज की बात करें तो सैमसंग के फोन्स में देखने को मिल जाता है, यहाँ पर रियलमी ने किया है जो अच्छा लगा कि उन्होंने कोई फालतू वेस्ट नहीं किया सेंसर को, टेलीफोटो सेंसर दिया है। और इसमें भी आपको OIS मिलता है, 1x 2x 4x से लेकर अप टू 20x तक आप यहाँ पर जूम कर सकते हैं। ये वाला फोटो देखेंगे बहुत इंप्रेसिव है, हमने अल्ट्रा वाइड से लेकर दूर इस स्टैचू पर जूम किया और कितनी अच्छी क्वालिटी निकल कर आई है, जो बहुत अच्छा यहाँ पर उन्होंने काम किया है। इनफैक्ट दूसरे भी अगर आप जूम शॉट्स देखते हैं तो काफी अच्छे यहाँ पर आप फोटोज निकाल सकते हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया है 8 मेगापिक्सल का और इसके भी फोटोज अच्छे हैं, अच्छा लगा कि कोई 2-2 मेगापिक्सल का फालतू सेंसर नहीं दिया। बाकी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मैक्स फुल HD वीडियो ही शूट कर सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने कोई 4K का सेटअप नहीं दिया है। और उसी के साथ आपको कैमरे में काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन फोटोज की बात करें तो काफी अच्छे फोटोज आए हैं दिन में, पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह अच्छे हैं, डायनामिक रेंज थोड़ा वाइब्रेंट लगते हैं देखने में, जो अक्सर सारे Realme के फोन्स पर मैंने देखा हो, इसमें भी कुछ वैसे ही है। और सेल्फी देखते हो, सेल्फी भी यहाँ पर काफी अच्छी निकल कर आई है, शार्पनेस, एज डिटेक्शन वगैरह अच्छा है, वीडियो क्वालिटी रियर सेल्फी दोनों आपको दिखा रहा हूँ, रियर की स्टेबलाइजेशन ज्यादा अच्छी, रियर वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी जब मैंने उसको सेल्फी वीडियो से कंपेयर किया था, बस डायनामिक रेंज में थोड़ा ऊपर नीचे, ओवरऑल सेल्फी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिक्स्ड किया जा सकता है। बाकी गूगल ड्राइव पर हमने फोटोज वीडियोज की लिंक नीचे छोड़ दिया है।
बैटरी की बात करते हैं, 5000 mAh की बैटरी है, 67 वोल्ट चार्जिंग, सेम कैपेसिटी है Realme 12 Pro Plus 5G जैसी, और यहाँ पर आपको 0-100% 50 मिनट के आसपास लगेगा चार्ज करने में। बाकी हमने इसको ड्रेन टेस्ट किया है कुछ 5-6 घंटे का, रात में लगाकर छोड़ दिया था 100% पर, 4K वीडियो प्लेबैक किया और इसने 5-5.5 घंटे के बाद 54% बैटरी रिमेनिंग थी, मतलब 50% के आसपास ड्रेन हुआ है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट था क्योंकि 4K वीडियो फुल ब्राइटनेस पर बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो जाती है, लेकिन ओवरऑल इसने काफी अच्छा किया। इससे पता चलता है कि अगर आप नेक्स्ट यूज करते हैं तो डेफिनेटली पूरा दिन बैकअप आपको जरूर मिलेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें 5G मिलता है, मल्टीपल 5G बैंड्स दिए गए, मतलब टोटल 9 5G बैंड्स है। वाइडबैंड L1 आपको मिलता है, ब्लूटूथ 5.2, कैमरा 2 API दिया गया है, वाईफाई 6 का आपको सपोर्ट मिलता है और सारे सेंसर्स का सपोर्ट दिया गया है। फाइनली दोस्तों प्राइस की बात करें, जैसे कि मैंने कहा मुझे नहीं पता कि क्या प्राइस है, दो वेरिएंट से 8128 और 8256, डिस्क्रिप्शन कमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओवरऑल अच्छा फोन है, चिपसेट नहीं है, चिपसेट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब जो थ्रॉटलिंग के रिजल्ट्स आए और जो डे टू डे रख के जो हमने टास्क देखे वो चिपसेट काफ़ी अच्छे से हैंडल करी, इनफैक्ट गेमिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो स्नैपड्रैगन 6 जेन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ लेके आई है जो काम कर रही है, इनफैक्ट बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा हमने देखा है। ओवरऑल जो अच्छा बुरा था सब कुछ डिटेल में हर वक्त की तरह आपको बता दिया, फुल रिव्यू चाहिए तो कमेंट में बताना, तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये फोन कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये तो सिर्फ हमारा अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन था। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।